उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा टूर है बर्मिंघम सिटी का और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बुल रिंग बर्मिंघम। और ये इंग्लैंड का काफ़ी बड़ा मॉल है और पाकिस्तान के मॉल्स तो आपने देखे होंगे, सेंटोरस और गीगा मॉल वगैरह। तो आज मैं आपको सैर करवाऊँगा बुल रिंग मॉल की और देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह की शॉप्स हैं। अभी मैं मॉल में पहुंच चुका हूं और ये इसका पार्किंग एरिया है। अब यहां से लिफ्ट के थ्रू मॉल की तरफ एंटर हूंगा। बुल रिंग इंग्लैंड के बड़े मॉल्स में शुमार होता है और ये बर्मिंघम का सबसे बड़ा मॉल है। यहां पे हर तरह की शॉप्स अवेलेबल हैं और अभी असल में वीकेंड है, इस वजह से यहां पे काफ़ी ज़्यादा रश है। चलें जी किसी शॉप में चलते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ की वैरायटी कैसी है। काफ़ी ज़्यादा रश है इस शॉप में भी और अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है। यहाँ पे शूज़ भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा टी शर्ट, कैजुअल शर्ट, यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांडेड कपड़े मौजूद हैं और देखते हैं कि इनके रेट कैसे हैं। आप आज बर्मिंघम में इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बड़ा प्यारा मौसम है और इसको एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे होने लाजमी हैं। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो ये 2003 में इसको तामीर किया गया था और अभी ये काफ़ी बिजी है। अभी मैं 4th फ्लोर पे जा रहा हूं और इसके टोटल 4 फ्लोर्स हैं। बाकी इधर जैसा कि लॉकडाउन अभी ख़त्म हुआ है तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रश है। बुल रिंग सिटी सेंटर में लोकेटेड है और बर्मिंघम वाकई एक बहुत बड़ा सिटी है और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं और आने वाली वीडियोस में आपको मज़ीद अच्छी बेहतर प्लेसेस देखने को मिलेंगी। हैमरसन नाम की कंपनी इस बुल रिंग मॉल को ऑन करती है और इस मॉल का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है।
यहाँ पे ये बुल का स्टैचू बना हुआ है और लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी एरिया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब तक के लिए अगली वीडियो आती है किसी और नए एपिसोड के साथ नए मकाम पर।